जैसलमेर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गर्मी के मौसम में पारा 50 डिग्री के पार हो जाता है। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य में है, जो कि बॉर्डर पाकिस्तान के पास, यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर आता है। यहाँ इस तपती रेत में जवान पापड़ सेकते हैं, यानी राजस्थान जैसलमेर की जो रेत है इतनी गर्म हो जाती है कि जवान यदि खाना चाहे पापड़ तो वहाँ पर सेक लेता है। बर्तन में चावल रखकर पका लेते हैं। सलाम है हमारे जवानों को जो ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में भी सीमा पर डटे रहते हैं। इसके लिए एक जय हिंद बनता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 1971 में हुआ युद्ध उस समय खत्म हो गया था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। अब बोलो कि आपकी दूसरी विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था और दूसरी विश्व युद्ध 1939 से 1945, यानी 1945 में खत्म हो गई थी। तो आप एक के साथ दूसरा चीज की भी जानकारी रख सकते हो। अक्सर कई लोकप्रिय हस्तियों को सशस्त्र बलों की मानद रैंक से सम्मानित किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना द्वारा कप्तान का रैंक से सम्मानित किया गया है और MS धोनी को भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट की पदवी से सम्मानित किया गया। यानी अब आप MS धोनी और सचिन तेंदुलकर से जो जुड़ी दो क्वेश्चंस का आंसर भी आप दे पाओगे। केरल की एजिमाला नौसेना अकादमी पूरे एशिया में सबसे बड़ी अकादमी है, यानी वो एकेडमी की बात कर रहा हूँ। केरल की एजिमाला नौसेना अकादमी पूरे एशिया में सबसे बड़ी अकादमी है, यानी सबसे बड़ी एकेडमी जो है एजिमाला नौसेना की वो अकादमी है। भारतीय सेना के पास घुड़सवार सेना की रेजिमेंट भी है। भारतीय सेना के पास घुड़सवार सेना की रेजिमेंट भी है। ऐसी रेजिमेंट दुनिया में सिर्फ 3 ही है।